सरकारी स्कूलों की बदहाली और इनमें पढ़ने वाले बच्चों की मुसीबतों की अथाह कहानियां आपने सुनी होगी, लेकिन ऐसी कहानी कभी कभार ही सुनने को मिलती है। सरकार भले बेपरवाह हो, लेकिन शिक्षक आज भी फिक्रमंद है। शाहजहांपुर के सरकारी जूनियर हाई स्कूल में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे ये 84 साल के शिक्षक श्री कृष्ण शर्मा है। शरीर में हमारे भगवान ने जो शरीर बनाया है उसका बिल्कुल अनुपात सही। श्री कृष्ण शर्मा वैसे तो स्कूल से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो आज भी उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं जहां वो नौकरी करते थे। आपको बता दें कि वो इस काम की अवज में एक पैसा भी किसी से नहीं लेते। रोज सुबह अपनी साइकिल पर बैठकर वो तय वक्त पर स्कूल पहुंच जाते हैं और जो भी क्लास खाली मिलती है बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़ाते हैं, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारे पूरे स्कूल को प्यार करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़ाते हैं और जो वो पढ़ाते हैं बहुत समझ में भी आता है। हम यही चाहेंगे कि हमारे सर पढ़ाते रहेंगे। शर्मा जी बेसिक शिक्षा विभाग में 9 जुलाई 1954 में बतौर एक शिक्षक तैनात हुए थे और लंबे समय तक बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उन्हें शिक्षा से इतना लगाव हो गया कि 30 जून 1995 में जब वो रिटायर हुए तो विदाई समारोह के दौरान बच्चों का प्यार और साथियों का लगाव देखकर उन्होंने प्रण किया कि जब तक उनकी सांसें चलेंगी तब तक वो बिना पैसों के शिक्षा देते रहेंगे। इस स्कूल में सभी शिक्षण जो है वो अपने कार्य को अच्छे तरीके से करते हैं। इसके अलावा हमारे जो रिटायर्ड शिक्षक हैं श्री कृष्ण शर्मा जी और ये भी आकर अपना योगदान जो है प्रतिवर्ष प्रतिदिन आकर देते हैं और स्कूल के बच्चों को इंग्लिश और अन्य विषय में भी कुछ अपनी अपनी जानकारियाँ देते रहते हैं। कि माना जाए कि ऐसे टीचरों से और भी टीचर से, ऐसे टीचर्स को देखते हुए ये माना जाना चाहिए कि सभी जितने भी रिटायर्ड अध्यापक हैं उन सबको अपना सहयोग जरूर देना चाहिए स्कूल में, ताकि जहाँ पर स्कूल में टीचर्स की कमी है उसको भी संतुलित किया जा सके। शिक्षक के इस जज्बे को जिला बेसिक शिक्षा विभाग बेहद सम्मान के साथ देखता है। यही वजह है कि जिला बेसिक शिक्षा विभाग उन्हें कई बार सम्मानित भी कर चुका है। ये बहुत सराहना इनकार है और पहले भी इनके जो है हम लोगों ने बुला करके सम्मानित कराया था इनको, और ये अन्य जो सेवन नंबर छोड़ने वाले टीचर है उनके लिए प्रेरणा का स्रोत भी है और जो हमारे टीचर वर्किंग है और उनके कर्तव्य बोध के प्रेरणा का स्रोत है। उनके कार्य की सराहना करते हैं और उसको जो है विभाग जो है सराहना ही नहीं करता बल्कि उनके जो योगदान को है वो महत्वपूर्ण मानता है। ये सिलसिला पिछले 24 सालों से चल रहा है। स्कूल का स्टाफ और छात्र 84 साल के शिक्षक श्री कृष्ण शर्मा के इस जज्बे के कायल है। जिला स्कूल कांट में 1958 से लगातार पढ़ाया और 1995 में हम सेवानिवृत्त हो गए। उसके अतिरिक्त भी मैं 24 साल हो गई हैं सेवानिवृत्त हुए, हम बराबर पढ़ाते हैं। कितनी दूर से आप आते हैं? 8 किलोमीटर दूर से हम साइकिल से आते हैं और साइकिल से घर वापस जाते हैं। आप शिक्षकों को क्या नतीजा देना चाहते हैं? शिक्षकों को चाहते हैं कि वो हमारी तरह पढ़ाएं बच्चों को, क्योंकि बच्चे जैसे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े पढ़ करके, तो हमारे बच्चे जो विद्यालय के वो भी हमारे बच्चे हैं, वो भी शिक्षक उनको पढ़ाए और वो भी उनकी बच्चों की तरह आगे बढ़े। ये शिक्षकों को हम मीटिंग में भी कभी कभी बता देते हैं।